तो गाइस फाइनली आज मैं आ रखा हूँ साउथ इंडियन फूड खाने आंटी के पास। आंटी नमस्ते। नमस्ते भैया। तो आंटी कितना टाइम हो गया आपको ये फूड देते हुए? 2 years, 2 साल हो गया भैया। 2 साल मतलब इसी जगह पे हुआ? पहले वो लिखता उधर देवे रोड ले नीचे पहले रेडी बार था टाइल्स का दुकान सामने। अच्छा इधर पीछे देवानी होटल के नीचे? अच्छा पांच महीना उधर था। तो यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ पे 1 साल ऊपर हो गया। 1 साल हो गया? 14 महीना हो गया। अच्छा 14 महीना हो गया। और क्या क्या मिल जाता है अभी आपके वहाँ? सब साउथ इंडियन आइटम है, इडली है, सांभर वड़ा है, मसाला डोसा है, पानी उत्तपम, प्याज उत्तपम, बटर है, पनीर है, सब आइटम। तो मतलब सबसे बेस्ट आइटम कौन सा है आपका? मसाला डोसा। मसाला डोसा है, रनिंग है, फोटो वो फेमस है। और मतलब ना आपको आइडिया कैसा आया कि मतलब साउथ से साउथ इंडियन वाला यूपी एमपी उत्तराखंड में ज़्यादा हमारा फ्रेंड है, मामा है, लड़का है, दोस्त है, बहुत है, चल रहा है, सब रिश्तेदार इधर ही है आपके नॉर्थ साइड में? देहरादून में, बरेली में। अच्छा देहरादून बरेली हर जगह। तो मुझे एक ना आप मसाला डोसा बना के दिखा दो। ठीक है, अरे पब्लिक अच्छा है, होटल पब्लिक भी अच्छा है, अच्छा कस्टमर अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। चितवली बाबा आपको इधर से बुलाया, ठीक है चल रहा है, टेंशन नहीं। तो आप बना के दिखा दो मुझे मसाला डोसा। देख सकते हो ये चटनी है, ये रही आंटी की इडली रहेगी। कैसे बनती, कैसे क्या क्या डलता है इडली में? इडली में डलता क्या क्या है? इडली में राइस, हिंदी राइस, ये सांभर वड़ा। अच्छा भाई ये रहा सांभर वड़ा, ठीक है। और ये रही इडली, और इनमें क्या है? सांभर भैया। भाई ये देखो सांभर, साउथ का सांभर मसाला, मदुरई का। अच्छा हम मदुरई से है ना, सांभर मसाला लेके आता है। मतलब जो पूरी रेसिपी है साउथ की है? हाँ। यहाँ से कुछ एडिशन डालो सारा? सब्जी लेना है काली। अच्छा काली सब्जी लेनी है यहाँ पे? नारियल चटनी। नारियल की चटनी? हाँ जी। भाई देख सकते हो अभी नारियल की चटनी है, ये टमाटा पुदीना इसमें। अच्छा। धनिया, ये मसाला जीरा, ये सब आएगी इसमें, ठीक है। और अंकल ये डोसे में क्या क्या डलता है? डोसे में, डोसा में आलू वाला, आलू वाला मसाला डोसा, पनीर डोसा, बटर डोसा, आनियन उत्तपम, सादा डोसा, बेंड डोसा। तो मतलब लोगों का रिस्पांस कैसा है, पसंद आ रहा है उनको? हाँ जी लोगों का रिस्पांस कैसा है, उनको पसंद आ रहा है कोटदार वालों को? कोटदार पपड़ी अच्छा बढ़िया, 9 बजे तक खत्म, हम लोग 4 बजे आ रहे हैं। हाँ 9 बजे 9:30 क्लोज, बढ़िया। मतलब वही है टाइम, सुबह शाम को 4 बजे से और 9 बजे 9:30 तक, ठीक है बढ़िया। तो सबसे ज़्यादा लोग ये मसाला डोसा ही खा रहे हैं? वो रेगुलर है, बढ़िया। देख सकते हो ये मसाला डोसा हमारा रेडी हो रहा है आपका। अब ये प्राइस वगैरह क्या रहता है इनका? बोर्ड में भी लगाया 70 रुपया डोसा स्टार्टिंग है। अच्छा। बोर्ड में भी बोर्ड बनाया ना, ठीक है ठीक है। कस्टमर वाइज देख सकते हो आप ये रेट लिस्ट भैया की, मसाला डोसा वगैरह 70 रुपये का है। और चित्र भी देना आपको पूरा लिस्ट पकड़ लिया आपका। और इस साइड पूरे ग्राहक वगैरह आ रखे हैं। तो भैया आपने भी खाया यहाँ? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, हम तो आप ही के साथ आ रखे पहली बार ट्राई करने। अच्छा हमारे साथ ही आ रखे हो, कुछ इनकी लैंग्वेज सीखना। ठीक है ठीक है। तो भाई ये देखो ये बन रहा है मसाला डोसा हमारा। अब ये जो आपने बीच में डाल रहे हो ये क्या चीज़? मसाला डोसा आलू वाला, आलू है। अच्छा आलू वाला है पूरा, उसमें सब मसाला है, सब आ जाता है, बढ़िया। अच्छा ये ज़्यादा है होटल में, ज़्यादा रहने सब डोसा खा रहा है, सबसे ज़्यादा ये चल रहा है गुरुद्वार में। एक आदमी दो डोसा खा जाता है, एक आदमी पूरा खा जाता है इतना बड़ा डोसा। हाँ जी खिलाइए टेस्ट करें। अच्छा तो भाई देख लो कोटदार में मतलब इतना बेस्ट साउथ इंडियन फूड आपको मिल रहा है। आप में से जो भी मतलब साउथ इंडियन फूड का दीवाना है उसको टैग करो। और भैया एड्रेस वगैरह क्या है, लोकेशन बता दो, जैसे किसी को आना हो ना खाने के लिए। हाँ जी आप बोल देना, आप बता देना, देख लाल बत्ती से नीचे देव रोड पे, लाल बत्ती से नीचे सामने। अच्छा ठीक है ठीक है, वही होटल भी है देख सकते हो आप, इंद्र ब्लॉक है बिल्कुल सामने है भैया की कहा है, ठीक है। और ये क्या डल रहा है ऊपर से? पनीर है? हाँ पनीर है, ठीक है पनीर हो गया, टेस्ट में डाला है, ठीक है। तो बन रहा है, तो मतलब भीड़ तो खूब रहती होगी यहाँ पे कस्टमर की? 7 बजे के बाद। अच्छा तो भाई जल्दी हम थोड़ा सा जल्दी आ गए। हाँ जी ये रहा डोसा हमारा रेडी होता है, सबका शेयर कर रहे हैं सबके पास, ठीक है डालो। इसमें क्या क्या डलता है? सांभर, रुको रुको, सही डल गया सांभर हमारा। और अब इसमें डलेगा ये नारियल वाली चटनी है ना? ये टमाटर चटनी, लाल चटनी, टमाटर।
लाल वाली टमाटर की, ये लाल वाली सांभर सब्जी वाला, हम लोग साउथ में सांभर बोलते हैं उसका। अच्छा साउथ में सांभर, सांभर तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, इधर कस्टमर जो है खा रहे हैं इधर। तो भैया कैसा लग रहा है आपको टेस्ट, भैया कैसा लग रहा है, पहली बार ही आए हो या आते रहते हो? अच्छा पहले भी आ रखे हो। तो गाइस ये रहा डोसा, नारियल वाली चटनी है, सांभर हो गया, दाल इडली हो गया। ये रही आंटी स्वीट सी आंटी, नमस्ते नमस्ते। तो भैया आप आते रहते हो खाने के लिए यहाँ पे या फर्स्ट टाइम ही आ रहे हो? फर्स्ट टाइम ही आया भैया, मतलब फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो मतलब किसी ने बताया था आपको यहाँ के लिए या? हम तो जैसे ही देख लिया था। अच्छा बाहर से देख लिया था तभी आया। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है भाई। ये कस्टमर तो आंटी आप रोज ही आते हो यहाँ खाने के लिए? रोज से ही आते हैं, मतलब रोज भी नहीं आते लेकिन जब से लगाएगा तब से आएगा। तो मतलब कैसा लगता है टेस्ट वगैरह कैसा लगता है? बहुत अच्छा आंटी का टेस्ट। तो आंटी आप कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहना चाहोगे आंटी के बात? ये दीदी हमारा कस्टमर रेगुलर कस्टमर है। अच्छा अच्छा इडली अभी है ना, इडली किसको कर रहे हैं? आपको रोज वीडियो बना देती देर में। तो गाइस फाइनली हम सबके यहाँ डोसे आ गए, मसाला डोसे, और ये रहा इडली हो गई, और ये बड़ा हो गया। ठीक है आंटी ने मतलब हम सबको ये फ्री दिया है, तो आंटी के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट में बता देना कि किस किस को जो है मसाला डोसा पसंद है और इडली। तो भाई अब भाई ब्लॉगिंग तुम्हारा भाई कर रहा है, प्रतीक ब्लॉग्स, किसी भी सब्सक्राइब करें। मैं काट दूंगा, इग्नोर करो इग्नोर करो, जैसे तुम लोगों की एक्स ने तुम लोग को इग्नोर किया वैसे तुम इसको इग्नोर करो। अगर आप कोटद्वार में कहीं से भी हो, आप चाहते हो एक बेस्ट साउथ इंडियन फूड खाना, लोकेशन की अगर बात करूँ तो अगर आप कोटद्वार मेन रेड लाइट पे हो, वहाँ से आपको अगर आप नजाबाद की साइड से आ रहे हो तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है, वहाँ 150 मीटर आगे चल के आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में जो है मिल जाएगा अन्ना डोसा, जहाँ का मसाला डोसा इडली और बड़ा तीनों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने टेस्ट कर चुका है, आप लोग का बारे में ट्राई करने। इसी के साथ अब आपसे इजाज़त देता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय। ठीक है, ओके, सब पे शेयर करना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।